हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर सहेलियां। मैं प्रीति पटेल आज आपको साउथ इंडियन टोमेटो चकरी बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए हम लेंगे आधा किलो मैदा, आधा किलो राइस फ्लोर, एक कटोरी, ये 200 ग्राम्स का है, उसमें से हम एक कटोरी मीन्स 100 ग्राम्स जितना ये कटले पापड़ दालिया बोलते हैं, अमूल बटर 100 ग्राम्स, चिली पाउडर एज पर योर टेस्ट, टोमेटोज एंड सॉल्ट टू टेस्ट। इसमें हम थोड़ा जीरा भी डालेंगे और तिल भी डालेंगे। तो सबसे पहले हम एक कपड़े में ये आटे को बांध लेंगे। तो मैदे और राइस फ्लोर का हम ये पोटली बना के ऐसे बर्तन में रख देंगे। नीचे थोड़ा पानी रखना, इसे ड्राई पोटली बनाना, ड्राई आटे की। अब इसको हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये कुकर में से हमने निकाल लिया है, देखो हार्ड हो गया है। अब हम ये आटे को निकाल के मिक्सी करेंगे, फिर सब मसाला करेंगे, क्योंकि इसमें लम्स हो जाते इसलिए उसको मिक्सी करना पड़ता है। तो ये अब हम ओपन कर रहे हैं। बेसन नहीं है, तो ये हमने मिक्सी कर लिया है। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। हमने एक चम्मच डाला है चिली पाउडर एज पर योर टेस्ट। अब हम इसमें तिल डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये जो टोमेटो प्यूरी बनाई थी वो हम डालेंगे। बटर डालेंगे, अब अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते करते सॉल्ट भी हमें टेस्ट कर लेना है, कम है तो थोड़ा डाल सकते हैं। और टोमेटो प्यूरी डालेंगे। इसी से हम आटा गूंदेंगे। तो ये हमारा आटा गूंद के रेडी हो गया है टोमेटो चकरी के लिए। अब हम ये मशीन में भर के इसको फ्राई करेंगे। तो हमने मशीन में भरने के बाद हम ऐसी चक्री बनाना लीफ के ऊपर निकालेंगे, फिर उसको फ्राई करेंगे। कितना इजीली निकलता है। सब ठीक, गरम तेल होने के बाद हमें इसमें डाल के इसको फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो फ्रेंड्स देखो, फ्राई करने के बाद हमारी टोमेटो चकली रेडी हो गई है।